जो भगवत कथा होती है, जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं होता और सत्य का कोई अंत नहीं होता। सत्य एक कंसंट्रेट वैल्यू है, वो सत्य इधर उधर नहीं होती, वो फ्लैक्चुएट नहीं होती है। इसलिए भगवान की कथा तो कभी विश्राम नहीं लेती, कहने वाले भी निरंतर कहते रहते हैं भगवत चर्चा और सुनने वाले भी निरंतर सुनते रहते हैं। इसलिए हम लोग जिस विधि से कथा श्रवण कर रहे हैं, सप्ताह विधि से, उस विधि का विश्राम दिवस है। और वैसे तो हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान का अनंत स्वरूप है और उनकी अनंत प्रकार की लीलाएं हैं। इसलिए हम लोग जितनी लीलाओं को श्रवण कर पाए उतना ही हमारे परमार्थ के लिए अच्छा माना जाता है। क्योंकि भगवान की लीलाओं को श्रवण करके जो आनंद की अनुभूति होती है, जो हम लोगों का भगवान के प्रति स्नेह होता है, वो कथा के माध्यम से ही हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। क्योंकि भगवान से प्रीति करने का सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से बोला था, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, पहले श्रवण करना चाहिए उसके बाद कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यश्च उसके बाद स्मरण करना चाहिए। तो हम लोग जो भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं, इन कथाओं को श्रवण करके और हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए, ये हमारे परमार्थ के लिए अति आवश्यक है। तो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण की पहली शादी देवी रुक्मिणी से हुई। भगवान को कहा जाता है कि भगवान सच्चिदानंद है, तो फिर भगवान को गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? गृहस्थ आश्रम वो क्यों प्रवेश किए? क्योंकि जब पहले ही भगवान को कह दिया कि उनका जो आनंद है वो संपूर्ण आनंद उन्हीं के अंदर विराजमान है, संपूर्ण आनंद से भरे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में क्यों गए? और गए भी तो एक शादी करना था उनको, लेकिन 16,108 शादियां थी। भगवान के गृहस्थ आश्रम में जाने का प्रयोजन केवल जीव मात्र को सदुपदेश देना था, हम जैसे लोगों को सदुपदेश देना था कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में क्यों जाता है, अगर जाता भी है तो वो गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करता है, गृहस्थ आश्रम के क्या नियम होते हैं, उन गृहस्थ आश्रम के नियम को स्वयं भगवान करके दिखाए। क्योंकि भगवान कई जगह बोले हैं कि जब तक हम आचरण नहीं करेंगे तब तक हम किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। भगवान गीता में भी बोले, यत यत आचरश्चेष्ट तत् तत् देवतरो जनस्य यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे जैसे हम आचरण करेंगे वैसे ठीक हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी उसी का आचरण करेगी। इसलिए भगवान स्वयं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए और गृहस्थ आश्रम में जा करके वो गृहस्थ आश्रम के नियम को बताए कि गृहस्थ आश्रम का जीवन यापन कैसे होता है, कितना समय तक हमें गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए,
कितने समय में हमें जाना चाहिए और किस समय में हमें गृहस्थ आश्रम का त्याग करना चाहिए। ये सब कुछ भगवान ने स्वयं आचरण करके दिखाया कि ऐसे ऐसे हमें जीवन अपना यापन करना चाहिए। इसलिए भगवान ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। और इसके पीछे दूसरा कारण यह है कि भगवान इतनी शादियां क्यों किए, 16,100 शादियां करने का उनका क्या प्रयोजन था। भगवान केवल भक्तों की इच्छा की पूर्ति हेतु उनका ये कृष्ण अवतार था, क्योंकि कई युगों से संत महात्मा ऋषि उनकी तपस्या में लगे थे और जिन जिन संत महात्माओं की ऐसी इच्छा थी कि हम ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने निज हाथों से करें, साक्षात उनकी सेवा करें, उन भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए भी भगवान ने इतनी शादियां की, इतने लोगों को स्वीकार किया। क्योंकि भगवान के अंदर तो अनंत जीवात्माएं हैं, अनंत जीवात्माएं, और ये जो भगवान की शादियां हैं ये केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यही है विवाह की पद्धति भगवान। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीरे सगाई। तो ये आत्मा और परमात्मा की बात होती है जो कि सतगुरु के द्वारा ये शादी का प्रोसेस जो भगवान के साथ है। वो सुचारू रूप से संपन्न किया जाता है। तो भगवान की शादी हुई, देवी रुक्मिणी से, और जब देवी रुक्मिणी से पहले शादी हुई तो भगवान को अभी और शादियां करनी थी, क्योंकि जो भगवान की अन्य शादियां हैं उनकी दो और शादियां होनी है, और उसके बाद जो भगवान की 16,100 जो शादियां हैं वो उनका वर्णन जो है भागवत में एक एक दो दो श्लोकों में किया गया है। विशेष रूप से भगवान की 16,108 शादियां हुई, 16,108 में से 108 जो उनकी शादियां हैं वो विशेष हैं, और 108 शादियों में से जो 8 शादियां हैं वो विशेष हैं, वो विशेष हैं। इसलिए जो भगवान की दूसरी शादी हुई और तीसरी शादी हुई वो दोनों शादियां एक साथ हुई, दोनों शादियां एक ही समय में हुई थी। पहली शादी के बाद जो दूसरी शादी हुई जामवंती और सत्यभामा से, उनकी ये दो शादियां एक साथ हुई थी, और इन शादियों के पीछे भी भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि इन शादियों के पीछे भी जो भगवान के भक्त थे जामवंत जी की कई युगों से इच्छा थी, और जामवंत जी ने अपनी इच्छा भी प्रकट की थी। जब माता सीता को जब लंका से वापस लाए अयोध्या में, और अयोध्या में ला करके भगवान राम ने सबको पूछा था, सबकी इच्छाओं को पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो
उस समय सबने कुछ न कुछ मांगा था और उसी में हनुमान जी भी मांगे थे। तो हनुमान जी तो सदैव भगवान की सेवा ही मांगते हैं कि प्रभु हमें केवल आपकी सेवा चाहिए। तो भगवान राम ने सेवा मांगने पर हनुमान जी को अपने गले से एक माला उठा के हनुमान जी को दे दी। जब वो माला हनुमान जी के हाथों में गई तो हनुमान जी उस माले के मोती को अपने दांत से फोड़ करके देख रहे थे कि हमारे भगवान श्री राम इसमें हैं कि नहीं। भगवान राम ने पूछा कि राम ने पूछा हनुमान से कि हनुमान मैंने तो तुमको माला दी है धारण करने के लिए। भगवान राम ने पूछा, भगवान राम ने जब कहा तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं तो इन मोतियों में देख रहा हूं कि इन मोतियों में हमारे भगवान श्री राम हैं या नहीं, क्योंकि प्रभु हमें इन मोतियों की माला की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल आपकी सेवा चाहिए। और वैसे भी भगवान राम की इतनी सेवा हनुमान करते थे कि एक बार सबको ईर्ष्या हो गई सेवा से। सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब ने देखा कि हम लोगों को कुछ सेवा नहीं मिलती और सारी सेवा हनुमान जी करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी सेवा करते हैं तो हमको भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी कहीं चले गए किसी कार्य से और सब लोगों ने आपस में मीटिंग की और मीटिंग करके सारी सेवा को बांट दिया। लक्ष्मण ने कुछ सेवा ले ली, कुछ भरत ने ले लिया, कुछ शत्रुघ्न ने ले लिया और कुछ लक्ष्मण ने ले लिया। सब लोग अपनी अपनी सेवा में लग गए और हनुमान को कोई सेवा नहीं दी। जब हनुमान को कोई सेवा नहीं दिए तो हनुमान जी आए। जब महल में आए तो देखे कोई ना कोई सेवा सब लोग कर रहे हैं, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है। और जब हनुमान जी किसी सेवा को करने के लिए जाए तो कोई आ जाता वहां बोलता ये तो हमारी सेवा है, कोई कुछ करने जाते तो कहते ये हमारी सेवा है। हनुमान जी बैठ के सोचने लगे कि भाई मतलब क्या है, अभी तक तो कोई इधर झांकता नहीं था और आज से ही देख रहे हैं कि सब सेवा में लगे हैं और कोई सेवा नहीं करने दे रहा। तो वो बैठ के सोचने लगे कि आखिर बात क्या है। तो वो किसी माध्यम से उनको पता चला कि सब लोगों के मन में ईर्ष्या आ गई है कि सारा सेवा प्रभु श्री राम का यही हनुमान करते हैं और हम लोग नहीं करते, और सेवा भगवान की सेवा करना जीव का परम धर्म है तो हम लोगों की भी कुछ सेवा चाहिए। तो सेवक वही होता है, रुचिले सुच सेवा करे और सेवक कहिए सोए। जिसके अंदर सेवा करने की रुचि होती है वो सेवा खोज लेता है, वो सेवा खोज लेता है, वो निकाल लेता है, वो छीन लेता है। ऐसा नहीं कि अब श्री राम हमको कहेंगे हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े दास हैं, अब भगवान श्री राम कहेंगे तभी हम करेंगे, नहीं तब तक तो हम बैठे रहेंगे, इसके पहले हम नहीं करेंगे। हमें कहेंगे तो करेंगे, लेकिन जो भगवत सेवा होती है वो छीन ले जाती है। करने वाले जगह खोजते हैं। पानी आप देखिए ना, वो इतना सा भी छेद होता है तो वहां से वो लीक करने लगता है। इसीलिए जो भक्त होता है वो तो स्थान खोजता है कि हमें कहां से सेवा मिल जाए करने के लिए, किसी भी तरीके की सेवा हमें करने का अवसर मिल जाए। जब हनुमान जी बैठ के सोच ही रहे थे कि आखिर सेवा की क्या जाए, भगवान की कोई सेवा तो ऐसे दिखती नहीं और सारे सेवा में कोई ना कोई लगा है, तो हनुमान जी के दिमाग में एक बात आई कि मैं हनुमान और श्री राम के समक्ष मैं सदैव बैठा रहूंगा और जब प्रभु प्रसाद खाएंगे या बैठे रहेंगे तो जब उनको जुम्हाई आएगी, जब झपकी लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा। अब भगवान श्री राम कि ऐसी सेवा हनुमान जी ले लिए कि 24 घंटा उन्हीं के पास बैठे रहते, 24 घंटा उन्हीं के पास बैठे रहते। जब जब भगवान श्री राम जोंघाई लेते थे या आंखें झपकती थी तो हनुमान जी बैठे रहते थे चुटकी बजाने के लिए। तो जो सेवक होता है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है,
वो सेवा को खोज लेता है कि हमें क्या सेवा करना है, कैसे सेवा करना है। इसलिए जो सेवा करने की रुचि होती है वो व्यक्ति के अंतःकरण से प्रकट होता है, और जब व्यक्ति के कोई भी चीज जब अंतःकरण से प्रकट हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो व्यक्ति जब करता है तो वो ज्यादा फलित होता है, उसका फल जो होता है वो अधिक मिलता है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, यदि उसकी इच्छा है कि हम मैथमेटिक्स पढ़े और बाप कहे नहीं बेटा तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो हो सकता है कि वो बन जाए किसी भी तरीके से पास करके, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाएगा। कोई बच्चे का मन यदि उसके अंदर से आ रही है कि नहीं हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, हमें क्रिकेट फील्ड में ही जाना है, और बाप कहे नहीं बेटा तुमको नौकरी करना है, हो सकता है वो उस क्षेत्र में न सफल हो। इसलिए जब भी कोई भी कार्य अंतःकरण से निकल के आए कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए, तो वो व्यक्ति खूब मन लगा के, खूब इच्छा करके उसमें प्रकट करके वो करता है, और बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि उसमें उसका भाव मिश्रित हो जाता है। इसलिए जो भगवान की सेवा थी, सेवा करने की इच्छा थी, वो जो कई जन्मों से संत महात्माओं और ऋषियों की जो तपस्या थी कि हम भगवान की साक्षात सेवा करें, अपने हाथों से सेवा करें, उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान 16,108 शादियों को स्वीकार किया। तो द्वारिकापुरी में एक राजा रहा करते थे, उनका नाम था सत्राजीत। बहुत बड़े सूर्य उपासक थे, सूर्य की उपासना बहुत सुंदर तरीके से करते थे। हम बार बार यही बातें बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति देवताओं की उपासना, देवताओं की पूजा श्रद्धा से करता है, निष्ठा से करता है, और खूब प्रेम से करता है देवताओं की पूजा, एक दिन देवताओं की कृपा होने के बाद वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। सत्राजीत सूर्य का उपासक था, और सूर्य की इतनी उपासना करता था कि भगवान सूर्य प्रकट होकर उनको एक स्यामंतक मणि दिए। वो 160 तोला सोना रोज देती, और वो स्यामंतक मणि जिसके पास होती थी उसको न तो शोक होता था, न तो मोह होता था, और न तो कभी दरिद्रता आती, कभी बुढ़ापा नहीं आता था। ऐसी मणि, स्यामंतक मणि सूर्यदेव ने स्वयं प्रकट होकर के सत्राजीत को दी। सत्राजीत बड़ा प्रसन्न था, 160 तोला रोज सोना वो देती थी और आराम से उसका जीवन यापन होता था। और धीरे धीरे करके ये बात कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के पास कुछ विशेष हो जाए, जैसे आपके खेत में यदि बोर करवाएं और पेट्रोल निकल जाए, यदि आप कहीं खदान लगाएं यदि उसमें हीरे निकलने लगे, यदि आप कहीं खदान लगाएं उसमें से सोने चांदी निकलने लगे, तो उस पे गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है, उस पे गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। तो वैसे 160 तोला जो स्यामंतक मणि देती थी, जब ये बात द्वारिकाधीश के कान में गई तो सबने, मंत्रियों का भी यही विचार था कि जो स्यामंतक मणि है सत्राजीत के पास, वो लाके राजकोष में दे दिया जाए, और राजकोष से उस पैसे से प्रजा का पालन। इस बात को जब सत्राजीत सुना कि ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं, तो सत्राजीत कहा, भाई ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, ये तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, हम ये किसी को क्यों दें?
इसमें तो हमारा है, अकेले का अधिकार है, हम क्यों दें? सत्राजीत ने देने से इनकार कर दिया और ठाकुर जी की ऐसी कृपा की एक दिन सत्राजीत का भाई जो प्रसेन था, प्रसेन उस मणि को गले में लटका था, वो शिकार खेलने के लिए गया जंगल में और सुबह का गया प्रसेन शिकार खेलने के लिए, शाम हो गया वो आया नहीं। शिकार खेलते खेलते वो जंगल में बहुत दूर चला गया और खुद ही एक शेर का शिकार बन गया। जब शेर ने उसका शिकार कर दिया, पूरा दिन प्रसेन वापस नहीं आया, रात को भी नहीं आया, तो फिर सत्राजीत ने कुछ अपने सैनिकों को भेजा कि आप जाकर के पता करो भाई प्रसेन कहां गया, कल से गया है अभी तक आज तक आया। पूरे जंगल में सब जगह खोजे, खोज करके वापस चले आए, लेकिन प्रसेन कहीं मिला नहीं, कहीं भी प्रसेन नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो गलती से दिमाग में सत्राजीत की ये बात आ गई, क्योंकि प्रायः जब कोई बात ऐसी होती है तो अगर उसके प्रतिपक्ष में कुछ ऐसी बात आ जाए तो दिमाग में वही बात आती है। यदि किसी ने कह दिया किसी को कि भाई ऐसा मत करना, अगर घर में गोपाल जी को ला लिए तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, और अगर गोपाल जी को घर में ला के रखे और उसी दिन अगर बुखार आ गया तो तुरंत वो दिमाग में उस पर पिंच मारेगी कि देखो वो पंडित जी सही बोले थे कि गोपाल जी को घर में मत लाओ, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा, देखो हो गया आज ही बुखार आ गया। तो सत्राजीत के मन में वही बात आ गई कि द्वारिकाधीश ने ये संदेशा दिया था कि भाई इसको राजकोष में रख दिया जाए, ये राजकोष से राज का पालन हो, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो भक्तों की भलाई के लिए करते हैं। क्योंकि भगवान जानते थे जिसके पास 160 तोला सोना रोज आने लगेगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, उसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यदि वो राजकोष में रख दिया जाए तो उससे प्रजा का पालन होगा, वो धर्म के कार्य में लग जाएगा। तो सत्राजीत के मन में ये बात आई कि भाई द्वारिकाधीश ने कहा था और हमने बात मानी नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मार करके वो मणि को छीन लिया। और ये बात किसके सामने सत्राजीत ने कही कि उसकी पत्नी के कान में चली गई, और औरतों के कान में कोई बात चली जाए तो वो प्रायः ही पच जाए, क्योंकि उनके अंदर बात पचाने की क्षमता नहीं होती। कुछ भी हो, यदि कोई सीक्रेट बात यदि आप उनसे बता देंगे तो उनका जो सांस है ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक वो निकल ना जाए, जैसे पानी में बुलबुले निकलते हैं ना, वैसे वो उनके मन में ऐसा चलता रहेगा कि वो हमें बताना चाहिए, नहीं तो ना तो वो खाएंगे अच्छे से, ना तो वो पानी पिएंगे अच्छे से, मतलब कुछ भी उनका ठीक से नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कब तबीयत खराब हो जाएगा। तो उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि नहीं बताना चाहिए, तो उसके कानों में जब बात गई तो ये बात फैल गई, भाई अपने पड़ोसन में गई होगी अपना बहन बहन कह के, और कहते कहते वो बोल दी होगी कि ऐसा ऐसा बात है, हमारा भाई प्रसेन तो गया था खेलने के लिए और शिकार खेलने के लिए अभी तक वापस नहीं आया, और एक दिन ऐसा था कि द्वारिकाधीश तो गए कि भाई मणि राजकोष में दे तो हमने दिया नहीं, लगता है वही मार, ऐसे ही कहते कहते लोग बातों बातों में ही सारी बातें बोल देते और बोल दिए, और ये बात चली गई द्वारिकाधीश के कान में। जब द्वारिकाधीश के कान में गई तो भगवान किसी के कलंक को अपने ऊपर नहीं लेते, भगवान इस संसार की सृष्टि ही ऐसी किए हैं कि कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि भगवान हमारे साथ धोखा किया, भगवान हमारे साथ ऐसा किए कोई नहीं कह सकता, उसका दायित्व तो किसी न किसी के हाथों में सौंप देंगे, उसका रिश्ता किसी न किसी हाथों में सौंप देंगे, ठाकुर जी इन सारी चीजों को अपने पास नहीं रखते। द्वारिकाधीश कुछ अपने सैनिकों को लिए, कुछ अपने मंत्रियों को लिए और जंगल में खोजने के लिए निकले, उस मणि खोजते खोजते द्वारिकाधीश पहुंच गए जहां पे प्रसेन मारा गया था, वहां पे गए देखे तो शेर के पंजे का निशान, उस शेर के पंजे का निशान, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि वो मणि कहां पे है,
क्योंकि ये तो लौकिक आचार के लिए वो दिखा रहे हैं। वो गए शेर का पंजे का निशान देखते देखते वो पहुंच गए कहां पे, जहां पे जामवंत जी जिस गुफा में रहा करते थे। जामवंत जी जिस गुफा में रहा करते थे उस गुफा के सामने अपने जो सैनिक थे मंत्री थे सबको बाहर ही खड़ा कर दिया, क्योंकि जो कि पहले के राजा हुआ करते थे कोई भी बाधा प्रजा पे नहीं आने देते। और अक्सर पहले राजाओं की जो कोठियां हुआ करती थी, जो राजाओं के महल हुआ करते थे वो पहाड़ों पर हुआ करते थे, और जो प्रजा बसती थी वो पहाड़ के नीचे बसती थी। प्रजा की सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य है, लेकिन कलयुग के राजा तो पहाड़ के नीचे बसते हैं और प्रजा को पहाड़ पे बैठा देते हैं कि गोली खाओ वहीं खड़े होकर। वो खुद सामने नहीं आते, तो उन्होंने प्रजा को बाहर खड़ा करके और स्वयं उस गुफा में प्रवेश किए और बोले कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम लोग यहां खड़े रहे। भगवान अंदर गुफा में प्रवेश किए, और गुफा में प्रवेश किए जब तो अंदर गए तो देखे उस मड़ी से जामवंत की पुत्री जामवंती खेल रही। तो भगवान देखे कि यही मड़ी है, और खेलते खेलते जामवंती के हाथ से वो मड़ी फिसल गई और द्वारिकाधीश उस मड़ी को उठा लिया। बहुत जोर से जामवंती चिल्लाई, पिताजी पिताजी। जामवंत अंदर से आए, बोले भाई कौन हो? बोले ये मत पूछो, लेकिन ये मड़ी लेने के लिए मैं आया हूं, ये मड़ी हमको चाहिए। बोले भाई ये मड़ी से तो हमारी बेटी जामवंती खेलती है, और हमारी जामवंती की खुशी जो है वो इस मड़ी में है, इसलिए हम आपको ये मड़ी नहीं दे सकते, और यदि आपको लेना ही है तो फिर आप हमसे युद्ध करना पड़ेगा, आप हमसे जीत लीजिए, आप ले जाइए। भगवान ने युद्ध को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान त्रेता में जामवंत जी यही वरदान मांगे। जब जामवंत जी से पूछा गया कि जामवंत जी आपको क्या चाहिए, तो जामवंत जी यही बोले थे कि भगवान कई युगों से हमारे हिसाब किताब का कोई मिला नहीं, और हाथ में बहुत खुजली हो रही है, और लंका में रावण का भी आपने वध किया तो हमको मौका नहीं दिया, वहां भी लड़ने भिड़ने का मौका नहीं मिला, तो कम से कम हमारी यही इच्छा है कि एक बार अगर आपसे युद्ध हो जाए हमारी, तो इच्छा की हमारी पूर्ति हो जाए। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि जामवंत जी इस युग में तो आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, और आप लोग हमारे परम भक्त, और इस युग में तो हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपने इच्छा जाहिर की है इस इच्छा की पूर्ति हम आपकी अवश्य करेंगे। इसीलिए कहा जाता है भूल कर भी कभी भगवान से गलत चीजों की कामना नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलत चीजों की कामना कर लिया तो फिर एक बार तो उसमें आपको फंसना ही पड़ेगा, एक बार घूम कर आपको वहां जाना ही पड़ेगा। बाद में कहेंगे नहीं नहीं हम इधर से होके नहीं, हम इधर से होके जाएंगे। भाई जिस ट्रेन का आपका टिकट है वो जहां जहां से होकर जाएगी आपको वहीं वहीं से होके जाना पड़ेगा। यदि आपको दूसरी रूट से जाना है, दूसरे स्टेशन से होके जाना है, तो आपको वहां की टिकट कटवानी पड़ेगी, तभी आप वहां से होके जाएंगे। इसलिए यदि आपने कामना किया है कि हमारी ऐसी इच्छा है ऐसा होना चाहिए, तो फिर भगवान आपको वहां से तो एक बार घुमा के ले जाएंगे, वहां से होकर ही आप जाएंगे। तो भगवान ने तो उनको वचन दे दिया था, क्योंकि हमारी रक्षा माता जी इतना काम कर ली है कि उनको बहुत जबरदस्त नींद आ रही है, क्योंकि दिन भर लगी रहती है।
से होकर ही जाएगी। तो भगवान ने वचन भी दे रखा था कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी, वही इच्छा की पूर्ति करने के लिए यहां भगवान आए थे। और मैं बार बार कहता हूं, भगवान एक कारण के लिए कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि उधर जामवंती को भी तो लाना था, जामवंती के साथ भी उनका पाणी ग्रहण होना था। तो अगर वो मणि वहां जाती ना, तो जामवंत की इच्छा की पूर्ति कैसे होती और जामवंती आती कैसे? इसलिए भगवान द्वारिकाधीश ने जामवंत से युद्ध किया और 28 दिनों तक युद्ध चला, 28 दिनों तक युद्ध चला, ना तो भगवान जीते और ना तो जामवंत जीते, फैसला हुआ ही नहीं। जब फैसला नहीं हुआ तो जामवंत को त्रेता के वचन याद आ गए कि भगवान ने तो हमको वचन दिया था कि आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम द्वापर में आएंगे। इतना उनको स्मृति होते ही जामवंत भगवान के चरणों में प्रणाम किए और बोले, प्रभु आप पहले ये बताओ कि आप हो कौन, आप कौन हैं? उनके निवेदन करने पर जामवंत जी को द्वारिकाधीश ने लक्ष्मण सीता और राम सहित उनको दर्शन दिया और उसके बाद जामवंत जी ने द्वारिकाधीश से निवेदन किया कि प्रभु आप मणि तो आप ले ही जा रहे हैं और हमारी और एक इच्छा है कि हमारी एक इकलौती पुत्री जामवंती है, आप यदि जामवंती को भी स्वीकार कर ले तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही तो हमारा कृष्ण अवतार हुआ। जामवंती जी को लेकर आए द्वारिकापुरी और द्वारिकापुरी लेकर आए मणि के साथ, तो भगवान ने बुलवाया सत्राजी, बोले भाई बुलाया जाए सत्राजीत को, उसकी मणि वापस किया जाए। जब सत्राजीत को बुलाया गया तो सत्राजीत का मुंह एकदम छोटा हो गया, क्योंकि जब हम किसी को भी बिना जाने बिना देखे बिना सोचे यदि कोई बात बोल देते हैं और वो गलत साबित हो जाती है तो वैसे भी हम चोर हो जाते हैं। इतना छोटा सा मुंह लेकर के सत्रह जी द्वारिकाधीश के सामने उपस्थित हुआ, हाथ जोड़ने लगा सत्रह जी कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जो धन होता है धन की केवल तीन ही गति होती है, पैसे की संपत्ति की, इसकी केवल तीन गति होती है, दानम भोगो नाशस्ति स्त्रियो गतयो भवन्ति वित्तस्य जो न ददाति न भुंते तस्य तृतीया गति। बोले कि जो भी व्यक्ति धन का अर्जन करता है उस धन का तीन ही प्रयोजन है, धन कमाने का केवल तीन प्रयोजन है, पहला तो उसको धन का दान करना चाहिए, धन का उसको दान करना चाहिए, और दूसरी उसकी गति है उसका भोग करना चाहिए। यदि आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा खुद पर भी प्रयोग करिए, उसको खुद पर भी खर्च करिए, उस पैसे का भोग करिए। यदि दान भी नहीं कर रहे हैं और भोग भी नहीं कर रहे हैं, केवल तिजोरी में बंद करके रख रहे हैं, तो फिर तस्य तृतीया गतिर भवति, उसका तब केवल नाश होगा, उसका केवल तब नाश होगा, क्योंकि जिस तिजोरी में आप बंद करके जा रहे हैं तो फिर आप कुत्ता बन के आएंगे, पूछ से झाड़ेंगे अलमारी, क्योंकि इतने साल में तो अलमारी गंदी हो जाएगी। फिर देखे ना यार, जब
मेज और उसको साफ करने के लिए आजकल मार्केट में फूल वाला एक गोल सा आता है, इतना बड़ा कुत्ते की पूंछ के जैसा होता है। तो वैसे ही जब आप बंद करके चले जाएंगे ना, तो आपकी जो आसक्ति है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा रखे रहते हैं, वो दिन में तीन बार केवल निकाल के गिन के उसको रखते हैं। जैसे आपने देखा बनिया दुकानदार का, दुकान वाला वो मतलब कि चार बार वो बेचेगा, अगर एक दो सामान बेचा तो वो गल्ले को अपने काउंटर को खोल करके वो मिला करके गिन कर फिर रखेगा, वो मिला के फिर गिन के रखेगा। उसकी आसक्ति उसके प्रति अधिक हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है वो खर्च नहीं करते, वो केवल जैसे देवता अमृत को पीते नहीं है, खाते नहीं है, वो केवल सूंघते हैं और देखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं। हम एक जगह गए थे कथा करने के लिए, वहां पे बहुत बड़े बड़े सेठ, ऐसा कहा जाता था जहां पे वो जो वो सेठ थे उनके यहां, वहां के लोग बताते थे कि इनके यहां महाराज जी सात ईंटें थे सोने की, ईंट सात ईंट थे, और वो आदमी सामने अगर आके बैठ जाए तो आप बता नहीं सकते कि ये सेठ है। एक पैर में काला चप्पल, एक पैर में नीला चप्पल, एक पैर का 8 नंबर का, एक पैर का 10 नंबर का, ऐसे पहन के, मतलब आप देख के बता नहीं सकती हैं कि वो इतना बड़ा आदमी हो, क्योंकि ना तो वो दान किया और ना तो खुद पे भोग किया, वो केवल जमा करके रखा। और उसके जितने लड़के थे आज, जो कि वहां का राजा माना जाता था, आज उसके लड़के भिखारी बन गए, भिखारी बन गए। इसलिए उसके प्रति हमारी इतनी आसक्ति होती है कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो दिन भर चार बार उसको काउंट करने के चक्कर में उसकी आसक्ति उसके पास इतना ज्यादा हो जाती है कि उसको दोबारा वापस आना पड़ता है। क्योंकि गीता कहती है यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। बोले आप जिस जिस चीज का चिंतन करके आप इस शरीर को छोड़ेंगे, जिस जिस का चिंतन करेंगे, यदि आप शरीर छोड़ रहे हैं और अगर आपकी आसक्ति अपनी पत्नी में है, यदि पत्नी की अगर चिंता आई तो आपको स्त्री स्वरूप में जन्म लेना ही पड़ेगा, आपको स्त्री बन के आना पड़ेगा इस संसार। यदि आप शरीर छोड़ रहे हैं और बहुत प्यारा डॉगी पाले हैं तो आपको डॉगी ही बन के आना, बहुत प्यारा तोता पाले हैं तो आपको तोता ही बन के आना पड़ेगा। आप जिससे अधिक प्रिय है, जो कुछ भी आपका प्रिय है, यदि आप शरीर छोड़ते छोड़ते कहीं उसका अगर चिंतन आया तो आपको उसी के शरीर में आना पड़ेगा। यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा भाव लेके आप शरीर छोड़ेंगे उसी तरीके से आपको शरीर मिल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी चीज से, गाय पालिए, कुछ भी आप पालिए, लेकिन उसके प्रति इतना आसक्ति मत रखिए, इतना आसक्ति मत रखिए कि 24 घंटा उसी के बारे में सोचें, 24 घंटा उसी का चिंतन करें। यदि चिंतन करना है तो हाथ में झोली माला उठाओ, भगवान के नामों का जप करो। भगवान के नाम जप करने से आपकी जो चेतना है वो धीरे धीरे करके भगवान में जाएगी। जो लोग जप करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, पहले जब उनके साथ कुछ भी होता था, चोट लगता था, गिरते थे, वो तो मम्मी कहते थे, पापा कहते थे, ऐसा हमारा भाव था। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में आए, 24 घंटा भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, हमारी जीवा पे भगवान का नाम ही चल रहा है, तो गिरते हैं, पड़ते हैं, चोट लगती है, तो यही कहते हो कृष्णा, भगवान का नाम आता है। क्या उस समय हमारी मां नहीं है? मां है। क्या हमारे बाप नहीं? बाप है। क्या हमारे आसपास जिनको पाले हैं वो नहीं है? वो भी है।
लेकिन भगवान का नाम आपको सुरक्षित कर दे रहा है, भगवान का नाम आपको सुरक्षित कर दे रहा है, इसलिए कहीं आप भटक न जाएं। भरत महाराज का चरित्र भागवत में इसी प्रसंग पे आया। भरत महाराज ने क्या नहीं छोड़ा था, राजा थे, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, पूरी आसक्ति को छोड़ के शून्य करके वो जंगल में आके बैठ गए। लोग कहते हैं कि भाई वो तो इतना वफादार है, जानवर तो बहुत वफादार होते हैं और ये इतने प्यारे होते हैं, इतने देखने में सुंदर लगते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ये बात 100% सही है कि वो प्यारे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो निर्दोष होते हैं, उनको खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए, लेकिन जो गले से चिपका के रोज सो रहे हो ये तो नहीं करना चाहिए, इससे बचो। खाना दो, पानी दो, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन जो रोज गले लगा के चार बार उसको चूम रहे हो, चाट रहे हो, बाबू बाबू कर रहे हो, लल्ला लल्ला कह रहे हो, ये तो गलत है ना, ये चीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि भरत महाराज जब उस हिरण के बच्चे को गिरता हुआ पानी में देखे तो उसकी रक्षा की, उसको बचाए, उसको उठा के लाए, पानी के बाहर किए। जीव का धर्म है किसी की सुरक्षा करना, किसी की रक्षा करना, बचाना, लेकिन ये नहीं कि हम उसको उठा के लाके अपने घर में रख लिए और लगे चम्मच से दूध पिलाने कि अब तो तुम्हारे माँ बाप हम ही हैं, खुद को ही माँ बाप मानने लगे, ये गलत है। और यही भरत महाराज के चरित्र से हमें मिला कि भरत महाराज का मन उसमें इतना रम गया, जो अपनी बीवी को छोड़ के चलाया, अपने बच्चों को छोड़ के चलाया, उसका मन एक हिरण के बच्चे में ऐसा लग गया कि वो व्यक्ति का धीरे धीरे भजन छूटने लगा, धीरे धीरे भगवान का नाम छूटने लगा। लेके सुबह झोली माला बैठते थे तो हिरण आके ऐसे ऐसे करता था, उनको धक्के मारता था, और जब कोई भी हम भजन करने हैं बैठे हैं, हमारा छोटा सा बच्चा ही है 5 साल का, आके हमें ऐसे पकड़ लेगा तो हम भजन कर पाएंगे? एक बार मम्मी का, एक बार पापा का, तो इतना प्रेम उमड़ आता है कि हम उसको उठा के गोद में बैठा लेते हैं, अब रखो झोली माला, पहले हम बच्चे को प्रेम करेंगे। तो ऐसे ही जब हिरण का बच्चा आता था, उनको धक्के मारता था, अपना गला जब उनके शरीर में जब स्पर्श कराता था तो वो झोली माला रख के उसको पकड़ के बैठ जाते थे, पकड़ के बैठ जाते, और जब उसको पकड़ के बैठ गए तो भजन धीरे धीरे करके छूट गया। अब उसको ले जाते बाहर चराने के लिए, पानी पिलाते, खिलाते, ऐसे बैठ के बाहर कुर्सी लगा के बैठ के देखते रहते थे, वो बाहर खेलता रहता था इधर उधर, और ये सब तो बहुत प्रिय है ना। भगवान ने एक एक चीज को इतना सही जगह पे फिट किया है कि आदमी उसको देखकर ही मोहित हो जाता है, इतना सुंदर सुंदर चीज बनाई है। ऐसी ऐसी चिड़ियां भगवान ने बनाई है कि पूछिए कि उनको कोई देखे तो देखता ही रहे। और इसी मोहवश कोई चीज अच्छी लगी, चल अब हमारे घर लाके घर में उसको रख लिए, क्यों? अपने आंखों के सुख के लिए तुम उसकी स्वतंत्रता को बांध रहे हो, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट कर रहे हो अपने स्वाद के लिए कि हमको वो देख के अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, यही ना। इसके लिए हम उसको लाके बांध के रख लेते हैं। अगर इतना ही प्रेम आप करते हैं जीवों से तो आप अपने अंतःकरण को पवित्र करिए, आप अपने मन को शुद्ध करिए, चिड़िया आपके हाथ से दाना खा के जाएगी। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, इनके अंदर हमसे और आपसे ज्यादा पहचानने की क्षमता होती है, हमसे आपसे ज्यादा पहचानने की क्षमता होती है, क्योंकि यदि आप अच्छे हृदय से यदि आप उनको खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो आपके पास आके बैठ के खाएंगे। जैसे अभी इस ठंडी में हम गए थे इधर बनारस साइड में कथा करने के लिए, तो वहां वालों ने कुछ हमको मूंगफली दिया था, एक झोला बड़ा वाला भर के,
तो उस मूंगफली को लाए तो ठंडी में उसको लेके हम अपने छत पे जाते थे तो खाते थे वहां बैठ के। तो वहां बंदर आ जाया करते थे, लेकिन एक छोटी सी बंदरिया थी, वो ऐसी थी कि वो दौड़ के आ जाती थी हमारे पास बैठ के, यहाँ बैठ के खाती थी। और वैसा एक दिन हो गया 5-6 दिन के अंदर में कि हम ऐसे जेब से निकालते थे तो निकालने से पहले हाथ से छीन लेती थी, ऐसी हो गई। उतना दूर से देखेगी अगर तो वो भाग के आ जाएगी तुरंत। और कुछ ऐसे बंदर हैं जो आप दूर से ऐसे देंगे तो वो दूर बैठे रहेंगे, नहीं खाएंगे। उनके अंदर पहचानने की बहुत अधिक क्षमता भगवान ने दी है। यदि हम खिलाने के भाव से, यदि प्रेम से उनको 2-4, 10 दिन, 20 दिन यदि प्रयास करें तो वो हमारे हाथों से खा के जाएंगे। इसलिए उनको पालना नहीं चाहिए, उनको स्वतंत्र रहने दीजिए। खूब सेवा करिए ना, खूब खिलाइए, खूब उनको पानी खिलाइए, चारा खिलाइए, सब कुछ करिए। और यही गलती भरत महाराज ने कर दी, जो उसको लाए और घर में रख लिए बंद। और इतना प्रेम हो गया उसके प्रति, इतना प्रेम हो गया कि एक दिन, जानवर तो जानवर ही होता है, उसका कौन है, पाया अपने नगर वालों को तो छोड़ के भागा, अपने झुंड को पाया तो निकल गया। अब चला गया भरत महाराज, बेचारे रोने लगे, क्योंकि गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। वो अपने आप को उसका बाप मान लिए, माँ मान लिए कि अब तो इसका हमारे सिवा कोई है ही नहीं है, ऐसा हम सोच लेते हैं ना, किसके सिवा हमारा कोई नहीं है। इसीलिए वो रोने लगे कि बताओ, पता नहीं कहाँ होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहीं कोई जानवर तो नहीं उसको खा गया, पता नहीं किस अवस्था में होगा। जैसे एक माँ की कंडीशन होती है, छोटा सा बच्चा जब मेले में खो जाता है तो यही सोचती है, क्योंकि इस संसार में सबसे अशुभ यदि अपने बच्चे के बारे में कोई सोचता है तो वो मां सोचती है, सबसे अशुभ उसकी मां सोचती है। 5 मिनट बस आने में लेट हो गई, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं कहां होगा। सबसे ज्यादा बच्चों के अशुभ के बारे में यदि सोचती है उसकी मां, 1 मिनट भी अगर देर हुई तो उसके दिमाग में 1000 बात आ जाएगी, 1000 तरीके का कि पता नहीं ये तो नहीं हो गया, पता नहीं ये तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। और इसी सोच में भरत महाराज की पता नहीं क्या हुआ होगा उसका, पता नहीं क्या हुआ होगा, किस कंडीशन होगा, ऐसे सोचते सोचते यम यम आपि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं ते मे वेदकौन्ते सदा तद्भावं। उसी का चिंतन करते करते, हिरण का चिंतन करते करते भरत महाराज अपना शरीर छोड़े, और भरत महाराज दूसरे जन्म में हिरण ही बनकर आए, हिरण का ही शरीर है। इसलिए हम लोगों को हमारा पतन न हो, इसलिए हमको इन सारी चीजों को नहीं पालना चाहिए। और अगर पाल भी रहे हैं कोई चिंता नहीं, उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, है तो है, कोई बात नहीं। तो इसलिए जैसा आपका भाव होगा, सोचेंगे जैसा वैसा ही शरीर मिलेगा। तो भरत महाराज हिरण बनकर आए, लेकिन उनके जो भजन करने का प्रभाव था, वैसे तो हिरण में जाते तो फिर उसके ऊपर की योनि मिलती, फिर उसके योनि मिलती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मिलता, लेकिन भजन का प्रभाव उनका नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उनकी चेतना बनी हुई थी। जन्म लिए जब कलिंजर पर्वत पर, तो जन्म लेते ही अपने माँ बाप को छोड़ के वहां से भागे, भैया एक जन्म में तो फंसे हैं इन लोगों के चक्कर में, अब इन लोगों के चक्कर में नहीं आना, छोड़ के वहां से भागे। और आए पुल्हा आश्रम पे, और वहीं संत महात्माओं की कुटिया के चारों तरफ घूम घूम करके सूखा पत्ता खा करके जीवन यापन किया। जब कोई दूध से जल जाता है ना, तो वो मंठा भी फूक फूक के पीता है। एक बार भरत महाराज फंस चुके हैं और अब दोबारा जन्म लिए हैं, तो कह रहे हैं भाई गलती से भी हमसे कोई अपराध ना हो जाए, नहीं तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा।
सूखा सूखा पत्ता खाते थे, वहीं संत महात्माओं की कुटिया के चारों तरफ घूमते रहते थे, संतों का दर्शन करते थे और उस दिन का इंतजार करते थे कि किस दिन ये शरीर छूटेगा और इस शरीर से मुक्त हो, यही इंतजार करते थे। क्योंकि प्रत्येक जीव को यही चाहिए, सड़ी गली शरीर को लेकर भी आस लगाए हैं कि भाई अभी तो ऑपरेशन करवाना है, अभी तो टांगे जुड़वाना है, अभी तो आंखें बदलवाना है, अभी सब सोच रहे हैं कभी इसको जिंदा रखेंगे, कोशिश यही है कि बच जाएं। कोई मरने के लिए तैयार नहीं, कोई मरने के लिए तैयार नहीं। जिसके शरीर में जान नहीं है, एकदम बेकार हो गया है, इसका पूरा इतना मुंह कैंसर हो गया है, एक साइड पूरा खत्म हो गया, उससे भी पूछेंगे तुम मरना चाहते हो, महाराज एक बार बचा लो, इस बार बचा लो, उसके बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो भी जीना चाहता है, वो भी नहीं मरना चाहता, कुरूप हो जाए, अंग भंग हो जाए, किसी भी लायक न रहे, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। मरने से सब जग डरे और मेरो मन आनंद, और कब मरी है कब भेटी है पूर्ण परमात्मा। कहते हैं संत महात्माओं के तो दोनों हाथ में लड्डू, जिंदा है तो यहां भजन करेंगे और मरेंगे तो वहां जाएंगे भगवान के चरणों, दोनों हाथ में लड्डू। तो संत तो कहते हैं भैया कब इस बवाल से छुटकारा मिले कि भगवान परमानंद से कम मिलने का अवसर। लेकिन जिसको इस चीज की अनुभूति नहीं हुआ, नहीं भाई, इसी को पालिश मारो, इसी को चमकाओ, इसी में रहना है चाहे कुछ भी हो। इसलिए यही आसक्ति हमें खींच करके उस पोजीशन पे ले जाके खड़ी कर देती है जहां पे भरत महाराज थे, जहां पे भरत महाराज। इसलिए भागवत में भरत महाराज का चरित्र ही इसीलिए आया, इसी यही दिखाने के लिए कि हमारा पतन कैसे होता है, हमारा पतन कैसे होता है। क्योंकि भगवान ने गीता बोली, गीता को एक एक श्लोक में उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन पूरा उल्लेख उसका भागवत में मिलता है प्रमाण सहित। कि कोई ये नहीं कह सकता कि कोई ये श्लोक गलत है, ये श्लोक ऐसे नहीं लिखा, ऐसे होना चाहिए था, कोई ये नहीं कह सकता। भागवत में एक एक प्रमाण दिया कि देखो इस भक्त ने भी भजन किया था लेकिन थोड़ी सी आसक्ति ने इसको डुबा दिया, ऐसे ऐसे हो। इसलिए हमें धन के प्रति जो हम चर्चा कर रहे थे आसक्ति नहीं होना चाहिए। कमा रहे हो तो खर्च करो अपने ऊपर, दान करो, धर्म में लगाओ, अपने परमार्थ को बचाओ, अपने परमार्थ को बनाओ। नहीं, हम तो अपने बच्चों के लिए रख के जा रहे हैं, कुछ तो उनको दे के जाना ही पड़ेगा ना, दे के जाओ फिर स्वतंत्र रहेगा दारू पीने के लिए। बच्चे को जो देना चाहिए वो तो हम देते नहीं है, और जो नहीं देना चाहिए वो दे के जाते हैं, एक हथियार उसके हाथ में दे के जाते हैं। बच्चे को ऐसा आचरण दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए कि उस बच्चे को आपके पैसे की आवश्यकता ही ना पड़े, आपके पैसे की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा आचरण, ऐसा उसको हीरा बना दीजिए, उसको ऐसा तराशिए कि उसको तराश करके एकदम हीरा बना दीजिए कि किसी की आवश्यकता दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाशित ना हो, वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो। क्योंकि भगवान कहते हैं जो हमारा नित्य गोलोक वृंदावन धाम है वो कैसा है, स्वतः प्रकाशित है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। बोले जो हमारा धाम है वो ये सूर्य के प्रकाश प्रकाशित नहीं होता, न शशांको न पावक, वहां पे ये अग्नि ये जल की कोई आवश्यकता नहीं, हवा की कोई आवश्यकता नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। और वो हमारा धाम है जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता, वो हमारा धाम। इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए,
खूब उनके ऊपर खर्च करिए, खूब आचरण सिखाइए, खूब संस्कार उनको दीजिए, अच्छे से उनको तराश दीजिए 25 साल तक, ताकि आपके धन दौलत की घर और उसकी आवश्यकता न पड़े। इसलिए धन की पहली गति दान, दूसरा भोग और तीसरी गति नाश की बताई गई। यदि आप इकट्ठा करके जाओगे तो आप उसका नाश ही कर रहे हो, उससे कुछ भी मिलेगा नहीं। तो सत्रह जीत जब भगवान के सामने उपस्थित हुआ तो बहुत छोटा सा मुंह लेकर उपस्थित हुआ, बहुत छोटा सा। द्वारिकाधीश ने कहा भाई सत्राजीत को उसकी मड़ी वापस कर दी। हाथ जोड़ने लगा, बोला महाराज हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आप क्षमा करिए, ये तो राजकोष के ही योग्य है और इसको राजकोष में ही दे देना चाहिए। प्रभु आप इससे राज की सेवा करिए और ये अब हमें नहीं चाहिए, आप हमें माफ करिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्षमा मांगकर अपने घर चला आया, मड़ी राजकोष में रख दी गई, लेकिन उसके मन में शांति नहीं मिली। उसने कहा प्रभु पता नहीं आप हमें माफ किए कि नहीं किए, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यदि आप हमारी पुत्री सत्यभामा को यदि आप स्वीकार कर लें, सत्यभामा के साथ आपका यदि पाणी ग्रहण हो जाए तो हमें पूरा पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप हमें क्षमा करेंगे। तो भगवान ने कहा कोई दिक्कत, भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार किया और भगवान की दोनों शादियां एक साथ द्वारिका पूरी हुई, सत्यभामा और जामवंती के साथ। सत्यभामा और जामवंती के साथ उनकी दो शादियां एक साथ हुई, भगवान की तीन शादियां हो गई और चौथी शादी भगवान की सूर्य की पुत्री यमुना जी से हुई और पांचवी शादी मित्र वृंदा से हुई और छठवीं शादी नग्नजीत की पुत्री सत्या से हुई और सातवीं शादी भद्रा और आठवीं शादी लक्ष्मणा से हुई, जो मध्य देश के राजा से उन्होंने मत संवेदन करके लाया। ये भगवान की विशेष रूप से आठ शादी, भगवान की आठ पत्नियां हो गई। द्वारिकापुरी में खूब आनंद से जीवन यापन हो रहा था। एक दिन द्वारिकापुरी में नारद जी आए और भगवान सत्यभामा के साथ विराजमान था। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको पता है बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। बोले क्या हुआ नारद जी? बोले प्रभु एक भौमासुर नामक एक राक्षस है, उसने संकल्प किया है कि 21,000 कन्याओं के साथ एक बार में शादी करेगा, भगवान से भी आगे जाने का वो प्रयास कर रहा है। क्योंकि भगवान तो 16,108 किए थे और वो 21 करने के चक्कर में पड़ा था, क्योंकि जो भी भगवान बनने का प्रयास करता है वैसे ही तो चमत्कार दिखाता है ना, ऐसे ही चमत्कार दिखाने का प्रयास करता है कि वो भगवान से ऊपर उठने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान जब थे उस समय भी पौंड्रक जैसे असुर थे, जो कहते थे कि हम भगवान हैं, किसी की चली किसी की चलती नहीं, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, कितना भी हाथ पैर पटक लो, कितना भी भाग दौड़ कर लो, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, काय तर्क कुतर्क कर रहे हो, उसको खींच तान रहे हो फालतू में कि नहीं हम ऐसे कर देते तो ये हो जाता, ऐसे कर देते तो वो हो जाता, ये कर देते तो और अच्छा हो जाता, वो कर देते तो और अच्छा होता, तुम्हारे पास में तो कुछ है ही नहीं, तुम क्या कर दोगे, कुछ भी नहीं हाथ में। अगर कहीं तुक्का अगर बैठ गया तो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए,
अगर कहीं तुक्का अगर बैठ गया तो नहीं महाराज हम किए, ऐसी हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है। कोई काम करते हैं अगर अच्छा होगा, महाराज हम किए हैं, बहुत परिश्रम किए हैं, 25-30 साल का परिश्रम लगा इसमें, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो भगवान क्या हम ही तुम्हारे दुश्मन थे क्या, हम ही से बदला लेना था तुमको, मतलब अच्छा अच्छा तुम खाओगे और खराब खराब भगवान को चढ़ाओगे, खराब हो गया तो भगवान कर दिए, अच्छा हो गया तब तो खूब सीना तान के खड़े थे कि हम किए हम किए, ये हम लोगों का नेचर। इसलिए दोनों भगवान को समर्पित करिए, अच्छा हुआ तो भी भगवान की कृपा, प्रभु तुम्हारी ही इच्छा से हुआ, जो कुछ कर रहे हो तुम ही कर रहे हो, और बुरा हुआ तो भी भगवान तुम ही कर रहे हो। इसलिए दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, एक को स्वीकार करके आप शांति की अनुभूति नहीं कर सकते, एक को स्वीकार मत करिए, दोनों को स्वीकार करिए। यदि आप सुखी हैं तो भी भगवत कृपा है और दुखी हैं तो भी भगवत कृपा है, दोनों को स्वीकार करिए, दोनों अवस्था में आप अपने बैलेंस को बना के रखिए। नहीं अब तो हम नहीं जिएंगे भाई, अब तुम्हारे साथ बहुत गलत हो, अब नहीं जिएंगे, ये भी कहना हमारी मूर्खता होती है, ये भी कहना हमारी मूर्खता है। जब खूब आनंद कर रहे थे, जब दांत चियार चियार के हंस रहे थे, तब तो नहीं कहे कि भगवान आपकी कृपा से मैं हंस रहा हूं, तब तो कोई नहीं बोलता है। थोड़ा सा दुख पड़ता है, भगवान बहुत दुख दिए तुम, अब तो पूरा जीवन बेकार, ऐसे हम हताश हो जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं, जब हमारे बस में कुछ है ही नहीं है। बहुत लोग जैसे आज के डेट में कहते हैं ना कि महाराज हमारा बेटा हमने पैदा किया है, बहुत लोगों को नहीं पैदा हो रहा है, डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं, उनसे कह दो पैदा कर ले, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोले कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनाम, बोले बीज स्वरूप में मैं ही हूं जीवों, प्रत्येक जीव के भीतर में। भगवान अपने स्थान को छोड़ देते हैं, करो पैदा, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो केवल एक ही चीज है, केवल हाथ जोड़ना और सर झुकाना, माथे में लगाओ चंदन और हाथ की जोड़कर करो बंदन, तो यही आपके हाथ में, और दूसरा कुछ नहीं आपके हाथ। भगवान की शरणागति लो और उसमें सुखी भी रहोगे। यदि हम सुख दुख को भगवान को समर्पित कर दें तो उसमें आपको शांति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं कई दिनों से मैं बोलता आ रहा हूं कि भजन मार्ग में जाने पर दुख भी मिलने पर सुख महसूस होती है, अनुभूति होती है। नौकरी करते थे, पैसा आता था, खूब कमाते थे, खूब खाते थे, छोड़ के चले गए वृंदावन, भिक्षा मांग के खा रहे हैं, फिर भी दुख नहीं हो रहा है। लेकिन नौकरी करते थे तो किसी से एक रुपए की खाने की वो नहीं होते, ना ना हम कमाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है क्या, वो अहंकार था। लेकिन वही अहंकार को छोड़ के आज वो मांग कर खा रहा है, भीख मांग के खा रहा है, तब भी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, चार घर पे दरवाजे पे गाली भी खाता है फिर भी कहता है भगवान की इच्छा छोड़, ये है। इसलिए भजन मार्ग में आने के बाद, भगवान की शरणागति लेने के बाद आदमी को संतोष क्यों मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवत कृपा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ कुछ हमारा संबंध रहा, कुछ हमारे ऐसे कर्म बंधन थे जो हमें खींच के लाए यहाँ खड़े कर दिए, लेकिन भगवान अब तो हमें ज्ञान हो गया, हमसे अब कोई भी ऐसा अपराध हमसे ना बने हमारे हाथों से जो ऐसा में दुख। इसलिए हमको पूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित, भगवान से बढ़ना चाहता था पौमासु, हम उससे ऊपर जाना चाहते, उससे ऊपर उठ के हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो विनाश होने वाला है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 24 घंटा में से 2 घंटा सोते हैं दवा खाकर,
18-18 घंटे मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने कर्म से ऊपर प्राप्त कर लेंगे। तुम वही मेहनत रोज कर रहे हो, उसी दुकान में रोज बैठ रहे हो। अगर आज हम 12 घंटा बैठ के 2000 रुपए कमाए तो कल भी तुम्हें 12 घंटा बैठ के 2000 कमाना चाहिए ना। समय तो यही कहता है कि भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आज अगर 12 घंटा हम दुकान पे बैठे 2000 रुपए मिले तो कल भी हमें मिलना चाहिए था। कल 100 रुपए मिला तो क्या कहे, भाग्य में जो लिखा था वही मिले। कल तो टाल दिए भाग पे, और आज जब 1000 रुपए मिला तो कहना ना हम कमाए, बड़ी मेहनत की, पूरे दिन सुबह से ही बैठे थे दुकान पे। अच्छा मिला तो हम कर दिए, और 100 रुपए मिला जब तो इतना मुंह बना के भगवान की यही इच्छा थी, यही भाग में था, यही मिला, ऐसे हम बोलते। लेकिन नियम यही कहता है यदि आप इन सारी चीजों को मानते हैं तो कल अगर 12 घंटा काम किए हो तो आज 12 घंटा काम करने के बाद आपको उतने ही पैसे मिलने चाहिए, उतने ही पैसे मिलने चाहिए। लेकिन रोज की कमाई बराबर होती है नहीं बराबर? कभी कभी दुकान में बैठ कर भी 1000 नहीं कमा पाते, कभी घर बैठते बैठे रहते हैं, रोज बेल बजा के लोग दे के चले जाते, भैया ये अपना पैसा ले लो, मगर बैठे दे के चले जाते। तो आज तो तुमने कोई काम नहीं किया। प्रारब्ध को कोई छीन नहीं सकता इस संसार, कोई छीन नहीं सकता। प्री डिसाइड है ये सब, जो कुछ भी हमें मिलना था वो हमें मिला। मेरा काम है केवल भजन करना, भजन करना हमारा काम है, केवल भगवान के नामों का जप करो। भगवान स्वयं हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा, भाई हाथ पकड़ के ले जाएगा, बैठाएगा। मरना रहेगा ट्रेन से कूद करके ना, तो तुमको हाथ पकड़ के ले जाकर ट्रेन में भगवान बैठा देंगे। जहां मरना रहेगा वहां आपको धक्का मार के ले जाएंगे। वैसे ही अगर महीने में 30,000 कमाना है, 1,00,000 कमाना है, भगवान हाथ पकड़ के तुम्हारा ले जाएंगे, चलो ये काम करो, तुम्हारे द्वारा ही करवाया जाएगा। लोग कहते हैं भगवान का भजन करेंगे तो वो क्या हमें लाके खाना देंगे क्या, वो हाथ से उठा के देंगे क्या खाने के लिए? लेकिन तुमको चेतना तो प्रोवाइड करेंगे कि भैया आप उठाओ खाओ, सामने आ गया है, और नहीं बहुत पागल ऐसे बैठे हैं, उनकी माँ ऐसे खिला रही है, वो ऐसे ही बैठे, उनको ये भी नहीं पता हमको खाना है, ये भी नहीं पता। कितने लोगों का नट ढीला हो जाता है तो वो खाते भी नहीं है, हाथ भी है, खाना भी है, सब कुछ है, मां बाप चम्मच से मुख में डाल रहे हैं, खा भी नहीं पा रहे हो तुम तो। क्या हो गया भाई, खाओ तुम तो। जो कुछ भी दे रहा है ठाकुर जी दे रहा है, ठाकुर जी तुम्हारे दिमाग में प्रेरणा दे रहा है। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, जो दिमाग में बुद्धि है वो भी मैं हूं। अगर स्थान छोड़ दिया ना तो यही स्वजन हमको घर में बांध कर रखेंगे, यही स्वजन बांध के रखेंगे, खूंटे में बांध के रखेंगे, कहीं भाग ना जाएगी। तब फिर जाना कमाने तो समझ में आएगा, 2-4-5 लाख 10 लाख कमाना, फिर तब देखना फिर बेटा बेटी कैसे पढ़ते हैं, बीवी कैसे खाती है। फिर भी क्या किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्या, किसी के घर में खाना नहीं मिल रहा है? इस संसार में प्रत्येक जीव का पेट भर रहा है, प्रत्येक जीव का पेट भर रहा है। ऐसा कोई नहीं जो खा नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं जो जी नहीं रहा है। इस संसार में केवल पैसा कमाता है केवल आदमी, आदमी के सिवा कोई पैसा कमाता है? गाय पैसा कमाती है, बैल पैसा कमाता है, कुत्ते पैसा कमाते हैं, बिल्ली पैसा कमाती है, ये चिड़ियां पैसा कमाती है, कोई पैसा कमाता हो बताओ? लेकिन शारीरिक परिश्रम सबको करना पड़ रहा है, पेट किसी का नहीं भर रहा है, सबका भर रहा है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसका पेट नहीं भर रहा है, प्रत्येक जीव का पेट भर रहा है। भगवान सबकी व्यवस्था करके भेजे हैं। सोचो आप, छोटी सी बात है, जब तुम दाल चावल खाने लायक नहीं थे, जब तुम इस संसार का कुछ भी खाने लायक नहीं थे, तब तो भगवान ने तुम्हारी व्यवस्था कर दी, मां के स्तनों में दूध भेज दिया कि जाओ बेटा ये दूध को पी के पलो। और तुम आज बड़े बड़े हाथ पैर लेके और नर्वस हो रहे हो, कह रहे हो भगवान तो हमें कुछ दे ही नहीं रहे, आज पेट नहीं भर सकता। अगर वो तब व्यवस्था किया है तो आज भी व्यवस्था वो करेगा, आज भी करेगा। पहले तुम समर्पण तो करो, तुम तो समर्पण भी नहीं कर पा रहे हो। अरे नाना, भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान नहीं होते,
पहले समर्पण करके तो देखो, तुम तो समर्पण ही नहीं कर पा रहे हो और बड़े बड़े लिस्ट तैयार कर रहे हो, भगवान हमको ये कर दो, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये फलाना ढकाना, ऐसा वैसा, कुछ नहीं कर पाओ। बाद में क्या करोगे जानते हो? बस अपने प्रारब्ध को दोषी मानोगे, हमारे प्रारब्ध में ऐसा ही, हमारे साथ वाले सब बड़े बड़े ये हो गए, वो हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही होते हैं ना। एक कोख से पैदा होने वाले तीन चार बच्चे, कोई चपरासी हो जाता है, कोई डीएम हो जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, क्या उसको जो राष्ट्रपति बन गया क्या उसको देसी घी मां पिलाती थी क्या? पिलाती थी उसको भी वही नमक रोटी खिलाई जो तुमको खिलाई, तो फिर कहां से वो आगे निकल गया? उसी स्कूल में तुम भी पढ़े, उसी स्कूल में वो भी पढ़ा, क्यों भाई इतना अंतर क्यों? एक कुतिया पांच पिल्लों को जन्म देती है, कोई पिल्ला दूध पीकर इतना मोटा हो जाता है, कोई बेचारा पीने को पाता ही नहीं, मर जाता है। कहीं कुतिया अगर बच्चा दी हो तो आप जाके देखिएगा कैसे उसके बच्चे धक्का मुक्की मार करके दूध पीते हैं, कुछ तो धक्का मुक्की मार के लड़ भिड़ के पी लेते हैं, कुछ लोग बगैर पिए मर जाते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले हमें भगवान के चरणों में समर्पण करना ही चाहिए, उसके बाद तुम लड़ो ना। भगवान तो ऐसा तो नहीं कह रहे कि तुम हमारे चरणों में आओ और हाथ जोड़ के बैठ जाओ, मैं ला के सब दूंगा, ऐसा तो नहीं कहना। हम कह रहे हैं समर्पण करने में नुकसान ही क्या है, क्या नुकसान है उससे? अगर तुम्हें कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो नुकसान भी तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या नुकसान है उससे? हमारे अंदर एक अहंकार जो है ना, हम ये पागलों वाला काम थोड़ी करेंगे, एक जो हमारे अंदर अहंकार छिपा है ना, वो जाने नहीं देता वहां। जैसे जब पति पत्नी डाइवोर्स ले लेते हैं ना, जिनका डाइवोर्स हो जाता है, जब वो दोनों अलग, क्योंकि शादी के दो साल बाद जब डाइवोर्स हो जाता है, छोटी छोटी गलतियों से ही होता है, गलतियां बड़ी होके बड़ी हो जाती है, डाइवोर्स जब हो जाता है, जब दोनों अलग अलग रहते हैं तब दोनों को पता चलता है एक दूसरे की आवश्यकता, जब आवश्यकता पता चलती है तो दोनों चाहते हैं हम दोनों एक साथ रहें, लेकिन दोनों के अंदर एक अहंकार होता है, ना ना हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसको आना होता है। औरत भी यही सोचती है कि वो आएगा, अगर कहेगा हमसे तो ठीक है साथ में रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आदमी सोचता है वो कहेगी, अगर आएगी तो हम उसको रख लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे ही होता है। इसलिए सबसे पहले हमें समर्पण तो करना चाहिए, उसमें क्या नुकसान है भाई? अहंकार को छोड़ो तो, हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है, हम तो ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, हमें वो ज्ञान है, फलाना है, ठिकाना है, धमाका है, करो भाई मरो, फिर तब काय रो रहे हो? फिर जब इतना ज्ञानी ही तुम बन गए तब फिर काय की चिंता? सब कुछ हम अपने जीवन में कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, केवल भगवान को आत्मसमर्पण के सिवा हम सब कुछ करके दिखा देते हैं। कहते हैं कि भाई बात बात में बोलते हैं ना, आदमी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सब कुछ कर सकता है यदि संघर्ष करे तो, संघर्ष करे तो सब कुछ कर सकता है ना, तो बन जाओ राष्ट्रपति, करो संघर्ष, बन जाओगे? नहीं बन पाओगे, इच्छा तो है बनने की ना, सबकी इच्छा है बनने की, करो संघर्ष भाई, नहीं बन सकते। जो प्रारब्ध में नहीं बना लिखा है वो नहीं बन सकता, और जिसके लिखा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी देखिए कहां थे आज, कहां है? प्रारब्ध खींच के ले गए, भगवान ने उनसे संघर्ष करवाया तो, और लास्ट समय पे ले जाके वहां पहुंचाया भी। भगवान आपके द्वारा ही करवाएंगे वो कार्य,
ऐसा नहीं कि समर्पण करने के बाद हम बैठ जाएंगे सब कुछ हमारा बंद हो जाएगा, नहीं हो सकता है। समर्पण करने के बाद भगवान अच्छी बुद्धि दे आपको, सक्सेस होने वाली बुद्धि दे, कुछ अच्छा आपको बुद्धि दे कि आप अच्छा करें और अच्छा कर जाए। भगवान सदैव आपका भला ही करेगा। शरणागति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि हम शरणागति कर दिए तो भाई अब तो हमारा नुकसान होगा। शरणागति का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसलिए हमको शरणागति करना ही चाहिए, चाहे जैसे करें, चाहे किसी भी प्रकार से करें, भगवान के चरणों में हमें आत्मसमर्पण करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आत्मसमर्पण आप नहीं करोगे तो फिर ये जीवन बिखर जाएगा। जब आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा तो आपको तो एक दिन आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्यों? उसको छोड़ के कोई गति आपकी नहीं है, कोई गति नहीं उसको छोड़कर। और अगर उसको छोड़ के कोई गति नहीं है तो भाई आज ही आत्मसमर्पण करो, आज ही आत्मसमर्पण। जिस दिन हमारे कान में ये बात चली जाए कि हमें भजन करना अति आवश्यक है, माला करना बहुत जरूरी है, उसी दिन से हाथ में झोली माला उठाओ और माला करना शुरू करो। एक भी दिन मत गवाओ, ऐसा मत सोचो कि ऐसा हो जाएगा तो हम करेंगे, वैसा हो जाएगा तो। वैसे एक लड़का था, वो देखे ना ताड़ का पेड़ देखे होंगे, बहुत लंबा लंबा एकदम सीधा, वो ताड़ के पेड़ पे चढ़ गया। और जब ताड़ के पेड़ पे चढ़ गया ऊपर, ताड़ तोड़ लिया तो उसको उतरना आया नहीं, उसको उतरने में बहुत डर लगने लगा, तो ऊपर से ही बोला भगवान यदि हम उतर गए तो 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब कैसे कैसे करके वो आधा उतर आया, आधा उतर आया तो उसके मन में आया तो आधा उतर आ गया, भगवान अब 10 किलो नहीं है 5 किलो चढ़ाएंगे। 5 किलो मान दिया भगवान को तुरंत देखिए। और जब वहां से वो धीरे धीरे करके प्रयास करके जब और थोड़ा उतर आया तो थोड़ा सा ही बचेगा, अब 2 ही किलो चढ़ाएंगे। और एक समय आप प्रयास करके जब जमीन पे आए, चलो क्या चढ़ाएंगे प्रभु, आप तो स्वयं ब्रह्मांड के मालिक हैं, अब आपको क्या चढ़ाया जाएगा, अब चलिए बाद में जो देखा होगा। ऐसे ऐसे लोग, ऐसा होगा तो हम करेंगे, ना तो वैसा होगा और ना तो आप करोगे। इसीलिए भजन करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। और बात कि जो लोग भी भजन करना चाहते हैं, जो लोग नहीं जप करते हैं, आप यहां से फ्री में आप झोली माला कंठी आप ले सकते हैं और आप लोग लेके जप करिए। अभी आज कल तक अभी हम लोग हैं यहाँ, कल शाम तक। तो जिसको भी झोली माला कंठी चाहिए वो फ्री में लेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। बस उसका चार्ज इतना ही है कि आपको सुबह शाम थोड़ा सा होठ हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, यही उसका चार्ज है। तो हमें भजन करना ही चाहिए और आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। तो आप लोग भजन करिए, भजन के बगैर कुछ भी नहीं, जीवन का मात्र एक उद्देश्य है भजन, मात्र एक उद्देश्य है। और जब भजन करेंगे तभी हमें ठाकुर जी वृंदावन जैसे धाम का दर्शन दे, तभी दर्शन दे। जो भगवान के प्रिय हैं वही वृंदावन धाम जाते हैं। कान्हा ने बुलाया है हमको तो जाना है, कान्हा ने बुलाया है हमको तो जाना है। कान्हा ने बुलाया है
को तो जाना है, हम पागल दीवानों का वृंदावन ठिकाना है। जो भगवान के नाम में पागल हो जाते हैं ना, फिर उनका ठिकाना यही नहीं रहता, फिर तो वहीं जाके चैन उनको मिलता है। वृंदावन ठिकाना है, कान्हा ने बोला तो जाना है।
हम